बात तो बिल्कुल सच है कि हम सभी को ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, खान पान में सुधार की ज़रूरत है। बहुत सी बीमारियों को हम ऐसे ही रोक सकते हैं, लेकिन ये भी बताइए कि जो ये कहते हैं कि सर्दी में यूरिन इन्फेक्शन बढ़ता है, तो क्या ये बात सच है? और कई बार ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुँच जाता है यूरिन का, अगर ऐसा है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं और सर्दियों में खासकर क्या हमें चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, सावधानियाँ बरतनी चाहिए? मंडूकासन, योग मुद्रासन, बद्ध पद्मासन जो कर सकें और कोई मयूरासन कर ले ना, तो फिर तो बात ही क्या है। ये किडनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, किडनी में इन्फेक्शन होगा ही नहीं। अब जिस जो ऐसे कर लेगा तो किडनी जो है ना, इससे किडनी पर बहुत अच्छा है। तुम भी करने लगी गुड़िया, क्या बात है रे भाई, ये तो मेरे से भी अच्छा कर रही है। एक बार भाई रिद्धि माँ के साहस के लिए और इसकी कुशलता के लिए बहुत प्यार बेटा आपको, अच्छी स्वामी जी हमारी ज्योतिषा भी बहुत अच्छा करती हैं। देखिए बच्चे, जब ये ठान ले, अरे ये दोनों की हाइट एक ही जैसी है, ये भी ज्योतिषा जितनी हो गई हमारी गुड़िया। ये योग करके जो ना कुछ इसका शारीरिक विकास कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। तो ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है। इन्फेक्शन, जो पानी कम पीते हैं सर्दी में, पसीना कम आता है, और ये जो ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा, ज्यादा लड्डू पड्डू सब, लड्डू पड्डू क्योंकि हाजमा अच्छा हो जाता है सर्दी में ना, हाजमा अच्छा हो जाता है, तो लोग खूब माल खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा। तो गोखरू का पानी पिया करें और धनिया की चटनी खाया करें। धनिया की चटनी फिक्स घर में बनेगी, उसमें थोड़ा पुदीना, थोड़ा नींबू और डाल दो, और लहसुन, किसी को एसिडिटी होती हो, लहसुन से थोड़ा हो जाता हो ना, गर्मी ज़्यादा चढ़ जाती हो, तो लहसुन का मैंने एक तरीका बताया, ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। लहसुन को गाय के घी में भून के थोड़ा सेंधा नमक लगा के, गाय का घी हम सबको उपलब्ध कराते हैं, इतना सुंदर, तो उसको छोक करके और उसको जाल करके इसकी चटनी खा लिया करें, लहसुन की चटनी, गोखरू का पानी। अब जिसको काढ़ा कोड़ा पीने में बड़ा आलस आता है, गुजराती में बोले तो कंटाड़ो आवे से, कंटाला आता है। कल मैंने बोला था गड़बड़ी हड़बड़ी, उतावले और बावले, कुछ इतने उतावले थे अपने से ना होता दिए, अरे तो भाई ट्राइगन बटी खा ले, गोखरू का पानी पी लो, ट्राइगन बटी खा लो, धनिया का काढ़ा पी लो, सूखा धनिया भी, और घी, ये हरा धनिया तो और ज़्यादा अच्छा है, और प्याज का प्रयोग कर लो, मूली का प्रयोग कर लो, एकदम बस क्लास, कभी यूरिन इन्फेक्शन हो गया नहीं। ये पॉइंट दबा लो, ये कपाल भाती ऐसे अनुलोम विलोम, तो अब हमारी अब जैसे इस बिटिया को बोल दिया तो लंबा करेगी अनुलोम विलोम, 1000 बार तक भुजंगासन, और ये 15-20 मिनट कम से कम लगातार अनुलोम विलोम करती जी, 1 घंटे, क्या बात है भाई। ये है, इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का जीवंत मूर्तिमंत लाइव एग्जाम्पल है रिद्धिमा स्वामी जी। तो मैं तेरा 1000 बार नाम ले चुका हूँ, देखो रिद्धिमा की तरह आप स्क्लेरोसिस को हरा सकते हो। एमएनडी का एक हमारा भाई है, वो राजस्थान का, उसने तो एमएनडी को हरा दिया। बड़ी कोई भी बड़ी कैंसर तो हजारों रोगी हैं, तो एक ट्रेग्लिसराइड का मुश्ताक भाई कितना लाइव एग्जांपल बैठा हुआ है। तो मैं आपका भी 1000 बार नाम ले चुका हूँ, ये आप लोग इंस्पिरेशन हो। तो जिनको किडनी की दिक्कत है ना, पॉइंट दबाएं, किडनी की दिक्कत होगी नहीं, गिलोय गोखरू आवरा मैंने प्रोटीन और केज के लिए सिर बैठा, छोटे बच्चों को भी प्रोटीन लीकेज होता है, और जो बच्चे रात को सुसु करते हैं ना, यहाँ से दबा लिया करें, विषत इंदुक वटी, चंद्रप्रभा वटी, चंद्रप्रभा छोटे बच्चों को एक, बड़ों छोटे बच्चों को आधी, बड़ों को एक, और विषत इंदुक, और ये छोटे हाथ में, छोटी हाथ में, पैर में, छोटी उंगली, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, जो रात को बच्चे सुसु करते हैं, और जिनको प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, ये छोटी उंगली और ये हथेली के बीच में, दोनों जगह दबाना, ऐसे कपाल भाती करते करते, तो यूरिन लीकेज नहीं होगा। बहुत लेडीज को यूरिन लीकेज, यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है लेडीज को, और एक तो स्वच्छता का, हाइजीन का कम ध्यान रखती हैं, थोड़ा अपने प्रति वक्त कम निकालती हैं, और दूसरा कई बार किसी की पित्त प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होने से भी किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लो ये एलोपैथी में कहीं लिखा हुआ है, ना कहीं रिसर्च में मिलेगा, ये आयुर्वेद का ज्ञान है। तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, शीशम बेल पीपल,
नीम, शीशम, ये बेल इधर देखो, बेल का फल भी लगा हुआ है, शीशम, सबको पता है शीशम का फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है, शीशम, बेल, पीपल, नीम और एलोवेरा का जूस, ये तो सभी को मिल ही जाता है, व्हीट ग्रास हो मिल जाए तो और अच्छा है, इसका जूस पी लो, पित्त का प्रशमन हो जाता है, लो, पित्त के प्रशमन के लिए नीम, और ये जो मैंने पित्त हर पे अभी बताया, कफ के प्रशमन के लिए अनार, पपीता, खजूर, गुड़ और थोड़ा सा चना, बड़ा जबरदस्त होता है चना, हम खिलाते हैं। स्वामी जी अब बात गुर्दे में पथरी की भी कर लेते हैं। जो का आटा, जो का दलिया हमने पहली बार वात, हाँ पथरी की भी कर लो, और वात के लिए लहसुन।